जौनपुर में दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा शनिवार की दोपहर 2 बजे कबेली गांव के पास हुआ। बदलापुर के सिगरामाऊ में कबेली गांव के पास पुराने हाईवे पर दोनों बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। सिगरामाऊ के देवना गांव निवासी महेश यादव पुत्र श्री राम यादव और बदलापुर के सरोखनपुर निवासी विपिन पांडे अलग अलग बाइकों से कहीं जा रहे थे। इस दौरान दोपहर में पुराने हाईवे पर गांव कबेली के पास दोनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों की बाइकें एक दूसरे से फंस गई। दोनों युवक सड़क पर गिर गए, वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। राहगीरों की मदद से पुलिस दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर ले गई। हालत गंभीर होने पर यहां से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों ही युवकों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, इससे उनके सिर में गंभीर चोट आ गई। दोनों ने हेलमेट लगा रखा होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। विपिन दो भाइयों में सबसे छोटा था। वह बदलापुर में एक दुकान पर काम करता था। वह सिगरामाऊ में अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा था। नवंबर में उसकी शादी होनी थी। परिवार के लोग तैयारियों में जुटे थे। हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। महेश यादव अपने घर पर रहकर कपड़े की दुकान चलाता था। उसकी दो पुत्री रियांशी 4 वर्षीय, अयांशी 2 वर्षीय है। महेश की पत्नी कुसुम का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बेटियों के ऊपर से पिता का साया उठ गया। महेश अपने दो भाइयों में सबसे बड़ा था। पिता मुंबई में रहते हैं। महेश बदलापुर किसी आवश्यक कार्य से जा रहा था।